बुधवार की रात मुंबई में हुए दो अलग अलग हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। दौड़ती भागती मुंबई में कब कैसे क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। बुधवार की शाम को भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई के माहिम इलाके में राजपत दुबे नाम के शख्स अपनी कार में डीजल भरवा कर पेट्रोल पंप से निकले ही थे कि अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद से उनकी गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई। उसके बाद कार दो अलग अलग गाड़ियों को रौंदते हुए एक घर में जा घुसी। उस वक्त घर और बाहर में खड़े 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीक के भाभा और हिंदुजा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरी घटना बांद्रा रिक्लेमेशन पर घटी, जहां एक तेज रफ्तार कार स्कूटी से टकरा गई। टक्कर इतने जबरदस्त था कि स्कूटी पर सवार दोनों लड़के सद्दाम शेख और असद कुरैशी फ्लाईओवर के नीचे गिर पड़े। बेहद नाजुक हालत में दोनों को नजदीक के भाभा अस्पताल में ले जाया गया, जहां दोनों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि दोनों माहिम और बांद्रा हादसे मामले एक शख्स की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें 6:05 बज रहा था, टैक्सी वाले ने सीएनजी पे गैस भराया और यू टर्न लेके सीधा आ रहा था, तो एक बाइक में टक्कर हो गई और टक्कर सीधा, फिर इसके बाद उसका स्टेयरिंग राइट साइड में घूम गया। राइट साइड में घूमने के बाद दो बाइक और रास्ते पर चलने वाले एक 17 या 15 साल का बच्चा और सीधा हमारे रूम में गाड़ी और दो बाइक और टैक्सी दोनों अंदर चले गए। लड़के के पैर में, दाहिने पैर में पूरा ज़्यादा जख्म आ गया है और एक लेडीज़ का भी पैर फ्रैक्चर हो गया है और एक बबलू करके है, वो भी चाय पी रहा था, उसके पैर में भी बाइक फंस गई। वो बाबा में गया और दो जन बाबा में गए और दो जन हिंदुजा में गए। ड्राइवर दुबे करके है, वहाँ वो गोरेगांव में रहते हैं, यहाँ आके सुबह रोज़ गाड़ी निकालते हैं, इसके बाद यहाँ खड़े शाम को खड़े करते हैं 6 बजे, तो उनका खड़ा करने का समय हो गया था, तो वही खड़े ऐसा हादसा हो गया।